मैं माँ हूँ, धरती माँ। आस्था एक ऐसी शक्ति है जो पर्वतों को भी स्थान से डिगा सकती है। जिसके मन में ये आस्था और ये विश्वास बैठ जाए कि जीवन और मृत्यु तो केवल ईश्वर के हाथ है, जो ये भेद पाले कि जिलाने वाला और मारने वाला वही परम परमेश्वर है और कोई नहीं, उसके मन से मृत्यु का भय निकल जाता है। और जिसके मन से मृत्यु का भय निकल जाए वो जीवन की किसी भी विपदा का सामना कर सकता है। प्रहलाद के मन में यही अडिग विश्वास है। उसे ज्ञात है कि यदि विधाता ने उसके भाग्य में जलकर मरना नहीं लिखा है तो आग उसे छू भी नहीं सकती। मुझे तो ये जानने की उत्सुकता है कि सिंहिका का क्या होता है, जो समझ रही है कि अग्निदेव का वरदान उसके मन की इच्छा पूरी कर दिखाएगा। वो खड़ी आ ही गई पुत्र, जिसकी तुम बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे, मेरे भी जीवन की अनमोल खड़ी, तुम्हारे जीवन की अद्भुत खड़ी पुत्र। जो भी इस चमत्कार को देखेगा भूल नहीं पाएगा, और जो भी इस चमत्कार की चर्चा सुनेगा सिहर उठेगा। रहते महाप्रलय तक आज की इस प्रदर्शनी की चर्चा रहेगी। चलो पुत्र। सर्वेश्वर, सर्वेश्वर, नारायण नारायण। हे देवर्षि, पुत्र प्रहलाद अग्नि में प्रवेश करने जा रहा है। ये देखकर मैं आपके नारायण को सावधान करने गई तो वो स्वयं अग्नि में तप रहे हैं, मानो उनके शरीर से ज्वालाएं निकल रही हैं। आप बहुत दयालु हैं माते, ममता का भंडार हैं। प्रहलाद के स्नेह ने तो आपको सब कुछ भुला दिया। क्या भुला दिया? यही माते, कि इस अवस्था में आपको इन्हें छूना नहीं चाहिए था। आपको तो याद ही होगा माते, इसी प्रकार इसी अवस्था में एक बार कयाधु ने पुत्र प्रहलाद को छू लिया था, उसके तो हाथ भी जल गए थे। हाँ, मैं तो सचमुच व्याकुलता में भूल ही गई थी। माते, पुत्र प्रहलाद को जो मैंने योग ज्ञान दिया था वह मेरे नारायण की ही तो देन थी। जब उसे इस अवस्था में कोई नहीं छू सकता तो मेरे नारायण तो योगेश्वर हैं, योग का स्रोत है, योग का आधार है, योग के आदि और अंत हैं, स्वयं योग हैं। इस अवस्था में तो आपके अतिरिक्त उनके कोई निकट भी नहीं पहुंच सकता। परंतु हे देवर्षि, मैं तो इनको प्रहलाद पर आए संकट के विषय में बताना चाहती थी। वही समस्या लेकर तो मैं भी आया था माते, मैं भी यही बताना चाहता था। परंतु नारायण को इस अवस्था में देखकर लगता है कि मुझे मेरी समस्या का समाधान मिल गया, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। माते, मेरी तो सारी शंकाएं मिट गईं। नारायण नारायण। ओम नमो भगवते।
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुत्र, तुम्हें भय तो नहीं लग रहा है? कैसा भय बुआ श्री, मुझे तो आनंद आ रहा है। जैसे जैसे लपटे मेरी और बढ़ रही है, मुझे विचित्र सी शीतलता का अनुभव हो रहा है। लग रहा है जैसे शीतल जल की लहरें मेरे शरीर को छू रही हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कैसे हुआ? तुम्हें तो अग्निदेव ने वरदान दिया था, ये कैसे हो गया? प्रहलाद की मायावी शक्तियों ने अग्निदेव के वरदान को मात दे दी। किसके मंत्र की शक्ति आगे वरदान की शक्ति छीन हो गई। उसको जीवित नहीं छोड़िएगा, जीवित नहीं छोड़िएगा। अब कभी पहले का
है। शक्ति दिखा दी, किंतु अब तू मेरी शक्ति देखना। तूने मेरे भ्राता श्री हिरणाक्ष का वध किया, मेरी बहन सिंगिका को जलाकर राख किया। मैं तुझे कदापि क्षमा नहीं करूंगा, जब तक मैं तेरा सर्वनाश नहीं करूंगा, जैन की एक श्वास भी नहीं लूंगा। अब तू मेरे क्रोध के प्रकोप से बच नहीं सकता। सुना तूने? तेरे विष्णु ने मेरे भ्राता श्री हिरणाक्ष की हत्या की थी और तूने मेरी बहन सिंगिका की हत्या की। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। चल। स्वामी मेरे पुत्र को छोड़ दीजिए। स्वामी माते, 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 मेरा पुत्र, मेरा पुत्र। या सेनापति, यदि इसे किसी ने भी भोजन अथवा जल दिया तो उसका वध कर दिया जाएगा। इसे कुछ नहीं मिलना चाहिए, सूर्य की किरण तक इसके समीप नहीं पहुंचनी चाहिए। ये अंधकार में ही जिएगा और अंधकार में ही अपना सर पटक पटक कर अपने प्राण त्याग देगा। देखा आपने महादेवी, सिंहिका को अपनी भूल का विस्मरण हुआ और उसका दंड भी मिला। हे दया सागर, हे करुणा सिंधु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद, आपने मेरे पुत्र की रक्षा की। महादेवी, अग्निदेव ने जो अग्नि प्रज्वलित की थी उसमें सोना भी था और कोयला भी। प्रह्लाद सोना था जो तपकर कुंदन बन गया, और सिंहिका कोयला थी जो जलकर राख हो गई। मैं वास्तव में बहुत प्रसन्न हूँ कि अग्निदेव ने सिंहिका को जलाकर भस्म कर दिया। केवल सिंहिका को नहीं महादेवी, सिंहिका के रूप में इस अग्नि ने पाप, खोट, असत्य और अहंकार को जलाकर भस्म कर दिया। इस अग्नि ने तो समस्त संसार के तन मन का सारा मैल जलाकर राख कर दिया। सिंहिका तो जलकर भस्म हो गई, पर अपने पीछे एक इतिहास छोड़ गई। कैसा इतिहास कमल नयन? सिंहिका अग्नि में जलकर होलिका बन गई। उसका सिंहिका नाम भुला दिया जाएगा महादेवी, इतिहास उसे होलिका कहकर पुकारेगा। एक नई परंपरा जन्म ले चुकी है महादेवी, वसंतोत्सव में होलिका को जलाकर पाप का अंत करने की एक परंपरा बन जाएगी। पाप की होली जलाई जाएगी और यह उत्सव मनाया जाएगा रंग खेलकर, गुलाल उड़ाकर। महादेवी, होलिका अब सदा के लिए असत्य की पराजय का एक प्रतीक बनकर रहेगी। परंतु हे सर्वेश्वर, आप देखिएगा, अब हिरण्यकश्यपु अपना सारा क्रोध अग्निदेव पर उतारेगा। वो बल खा रहा है, क्योंकि अग्निदेव ने सिंगिका को जो वरदान दिया था वो तो असफल हो गया। मुझे अब अग्निदेव से सहानुभूति हो रही है।
महादेवी, जिस प्रकार अग्नि इस्पात को गला तो सकती है परंतु जला नहीं सकती, उसी प्रकार हिरण्यकशिपु देवताओं को आतंकित तो अवश्य कर सकता है परंतु वो उन्हें मार नहीं सकता। इसीलिए तो मैंने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं में अमृत बांटा था कि सारे देवतागण जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकल आए। महादेवी, सिंहिका ने तो अपनी करनी का फल पाया, उसे दंड मिला, परंतु अग्निदेव को भी इस प्रश्न का उत्तर अवश्य देना होगा कि सिंहिका के चरित्र को जानते हुए भी उन्होंने उसे इतना महान वरदान क्यों दे दिया। और अग्निदेव का वही उत्तर मनुष्य को कर्म का सही मार्ग दिखाएगा। महादेवी, आज फिर मुझे इंद्रलोक में आना पड़ा, इंद्रासन पर बैठना पड़ा, केवल तुम देवताओं को यह स्मरण कराने के लिए कि अभी तक देवलोक का स्वामी मैं हूं। मैं भगवान हिरण्यकशिपु, अभी तक यह आसन मेरा है, मेरा अभी तक। तुम सब मेरे अधीन हो, मैंने तुम सब पर विजय प्राप्त की थी, तुम सब पर मैंने तुम्हारे अहंकारी सिर अपनी शक्ति से झुकाए थे, अपनी शक्ति से झुकाए थे मैंने। अग्निदेव, कहां हो तुम? सामने आओ। तुम स्वयं को देवता कहते हो, स्वयं को श्रेष्ठ समझते हो, धिक्कार है तुम्हारे देवता होने पर, धिक्कार है तुम्हारी शक्तियों पर, धिक्कार है तुम्हारे वरदान पर। क्या लाभ है तुम्हारे देवत्व से, क्या लाभ है तुम्हारे वरदान का? अग्निदेव, तुमने मेरी बहन सिंहिका को वरदान दिया था कि अग्नि उसे क्षति नहीं पहुंचा सकती, किंतु तुम्हारा तुच्छ और क्षीण वरदान परीक्षा का पहला आघात भी सहन न कर सका, पहला आघात भी नहीं। और मेरी बहन चलकर भस्म हो गई, केवल तुम्हारे कारण अग्निदेव, केवल तुम्हारे कारण। मेरी बहन ने तुम्हारी उपासना की थी, तुमने ये फल दिया उसका अग्निदेव, ये फल दिया। हे असुरराज, मैंने वरदान देते समय सिंहिका को चेतावनी दी थी। कैसे चेतावनी? मैंने उसे सावधान कर दिया था, इस वरदान का दुरुपयोग ना किया जाए, नहीं तो यह अपना प्रभाव खो बैठेगा। मैंने सिंहिका की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे यह वरदान आत्म सुरक्षा के लिए कवच के रूप में दिया था, इसे शस्त्र के रूप में, किसी का वध करने के लिए नहीं। सिंहिका ने इसे अपने कवच के स्थान पर प्रहलाद की हत्या करने वाला शस्त्र बना लिया और वह प्रभावहीन हो गया। प्रभावहीन हो गया तुम्हारा वरदान? हां सुराज, वरदान किसी के लिए अपने सुख का कारण होना चाहिए, किसी और के दुख का कारण नहीं। और सिंहिका ने सत्य को भुला दिया, इसलिए वही हुआ जो होना था। इसमें मेरा कोई दोष नहीं और न मेरे दिए हुए वरदान का। असुरराज, छली हो तुम, कपटी हो तुम समस्त देवता, और सबसे बड़ा कपटी है तुम्हारा वो विष्णु। यदि उसने तुम सबको छल से अमृत ना पिलाया होता तो अभी इसी घड़ी इसी स्थान पर तुम सबके सिर धड़ से अलग कर देता। सेनापति अश्वमित्र, आ गया भगवान। ले जाओ इन समस्त देवताओं को और डाल दो इन्हें कारागार में, जहां ये भी प्रहलाद की भांति
अन्न और जल के लिए तरसते रहें, आजीवन सड़ते रहें। ले जाओ। आपकी आज्ञा का पालन होगा। सैनिकों, ले चलो इन देवताओं को। ठहरो, ऐसे नहीं, वैसे ले जाओ जिसके ये देवता योग्य हैं। भेड़ बकरियों की भांति हांकते हुए ले जाओ इन्हें। चलो, चलो। दुष्ट प्रहलाद ने तुम्हारी माता श्री, मेरी प्रियतमा, मेरी जीवन संगनी सिंहिका की हत्या कर दी। मेरा मन ये मानने को तैयार नहीं पिताश्री। क्यों? क्या तुमने अपनी आंखों से उन्हें विवशता से तड़प तड़प कर जलते और मरते नहीं देखा? देखा था पिताश्री, देखा था। परंतु अग्नि में तो उन्होंने पहले भी प्रवेश किया था, और आप ही कहते थे कि उन्हें कभी तनिक सी भी क्षति न पहुंची थी। फिर इस बार अग्निदेव का दिया हुआ वरदान असफल क्यों हो गया पिताश्री? इसलिए कि इस बार वो अकेली नहीं थी, प्रहलाद भी था उसके साथ। प्रहलाद के पास मायावी शक्तियां हैं। वो सिंहिका का वध करना चाहता था। उसने अपनी मायावी शक्तियों से उसका वध कर दिया। वो हत्यारा हमारे समस्त कुल का बैरी है। यदि ऐसा होता पिताश्री, तो वो मेरा जीवन क्यों बचाता? मुझे तो नाग ने डस लिया था। उस समय तो प्रहलाद मेरे निकट भी नहीं था। वो हमारे कुल का बैरी होता पिताश्री, तो मेरे मृत शरीर के पास आता ही क्यों? परंतु वह आया, उसने अपने विष्णु से मेरे जीवन की भिक्षा मांगी, और मैं फिर से जीवित हो गया पिताश्री, फिर से जीवित हो गया। उसने तुम्हें सम्मोहित कर दिया है। तुम्हारे मस्तिष्क पर उसने नियंत्रण पा लिया है। तुम वही सोचोगे जो वो चाहता है कि तुम सोचो, तुम वही करोगे जो वो चाहता है कि तुम करो। ये भी उसकी मायावी शक्ति का प्रभाव है। परंतु अपनी प्रियतमा, अपनी पत्नी सिंहिका की सौगंध, तुम्हारी तर्कसंगत बातें भी मुझे उससे सिंहिका के वध का प्रतिशोध लेने से नहीं रोक सकती। मैं अपनी मायावी शक्ति से उसकी मायावी शक्ति को चकनाचूर कर दूंगा। वो मूर्ख नहीं जानता कि कामरूप नरेश विप्रचिति कौन है, क्या है। पिताश्री। नारायण नारायण। स्वागत है देवर्षि, आपका स्वागत है। आज हमें कैसे स्मरण किया? आपका स्मरण तो मेरे जीवन का उद्देश्य है, मेरे जीवन का सर्वस्व है। मेरा जीवन ही है लक्ष्मी नारायण। मेरा और कार्य ही क्या है? आपका स्मरण करना और आपकी चर्चा। बताइए, क्या समाचार सुनाने आए हैं? सृष्टि का कौन सा भेद, कौन सा समाचार, कौन सा रहस्य आपसे छिपा है लक्ष्मी नारायण? मैं तो बस अपनी एक उलझन सुलझाने, अपने प्रश्न का उत्तर पूछने आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं। तो पूछिए ना। हे लक्ष्मी नारायण, आप माया के स्रोत हैं, माया का भंडार हैं, माया के रचयिता हैं। फिर ये विप्रचित्ति किस मायावी शक्ति की बात कर रहा है? क्या उसने कोई नई मायावी शक्ति का आविष्कार कर लिया है? नहीं देवर्षि, विप्रचित्ति कोई योगी नहीं है जो किसी शक्ति का आविष्कार कर लेगा। वो तो केवल एक भिक्षुक है, एक याचक है। उसके पास जो भी शक्ति है वो मांगी हुई है, चुराई हुई है। हे देवर्षि, जिस प्रकार यदि कोई व्यक्ति उधार लिए हुए धन को यदि अपनी संपत्ति मानेगा तो बहुत शीघ्र कंगाल हो जाएगा, उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति मांगी हुई शक्ति को अपनी शक्ति समझने लगेगा तो अति शीघ्र शक्तिहीन हो जाएगा। कर लेने दीजिए उसे परीक्षा इस शक्ति की।
क्षण भर आनंद उठा लेने दीजिए उसे शक्ति का। वो बेचारा क्या जाने कि जहां से उसे ये एक शक्ति मिली है वहां तो महान शक्तियों का भंडार है। मैं देवर्षि, मैं विप्र चित्ति के इस क्षणिक आनंद को भंग नहीं करना चाहता। देखिए तो सही, वो मूर्ख कितना प्रसन्न हो रहा है। वाश्री, आप प्रणाम। मुझे बुआश्री की मृत्यु का बहुत दुख है। मैं स्वयं आपके पास शोक व्यक्त करने के लिए आना चाहता था, किंतु दुष्ट, तू मुझे भी अपने छल कपट में फांसना चाहता है, किंतु मैं तुझे ऐसी मृत्यु दूंगा जो तूने कभी सोची भी नहीं होगी। विष्णु ने तुझे अग्नि में जल मरने से तो बचा लिया, किंतु देखता हूं जल में डूब मरने से कैसे बचाएगा। तेरे तो नेत्र बंद हैं, तू तो अपना दुखद अंत देख भी नहीं पाएगा। जा, डूब मर इस सागर के तल में। हाँ। ले लिया मैंने सिंहिका के वध का प्रतिशोध। ये धूर्त अब सागर के तल से कभी ऊपर नहीं आ सकेगा। ये सागर का जल इसकी समाधि बन जाएगा। क्या हुआ कमलनयन? आपका पुत्र प्रह्लाद ननिहाल की यात्रा पर निकला है महादेवी। ननिहाल की यात्रा कहाँ? आप भूल गई महादेवी, इस बार आपने सागर पुत्री के रूप में जन्म लिया है, तो सागर आपके पिता हुए और उनका घर प्रह्लाद का ननिहाल ही तो हुआ। विप्रचित्ति प्रह्लाद को सागर में फेंकने निकला है। पिताश्री नहीं जानते कि प्रह्लाद को मैंने अपना पुत्र माना है। कुछ अनर्थ ना हो जाए, उसकी रक्षा कीजिए प्रभु। जैसी आपकी इच्छा। जाने कौन है ये सुंदर बालक, मुख पर इतना तेज, क्या आंखें नहीं ठहरती, कैसी मीठी निद्रा में सो रहा है वो। फिर उसे जगाकर पूछना भी तो उचित नहीं होगा ना, जाने कैसे सपने देख रहा होगा। किंतु ये कमल हमसे कह रहा है कि निश्चित इस मनमोहक बालक का संबंध हमारे जामाता श्री हरि विष्णु और पुत्री लक्ष्मी के साथ है। कमल, जो हमारे जामाता के हाथ की शोभा भी है,
और पुत्री लक्ष्मी का आसन भी। राजकुमार प्रहरियों शीघ्र इधर आओ। राजकुमार कहां गए? श्रीमान अभी तो यहीं थे। किसी ने कारागार का द्वार खोला था? नहीं श्रीमान, जब से भगवान हिरण्यकश्यपु ने राजकुमार को यहां बंदी बनाया तब से द्वार खोला ही नहीं। जाने क्या रहस्य है, मुझे तुरंत भगवान को इसकी सूचना देनी होगी। हे जनार्दन, इस समय आपका कमल कहाँ है? महादेवी, आपने अपने पुत्र प्रहलाद की रक्षा किए जाने की इच्छा प्रकट की थी ना? मैंने अपने कमल को उसके शैया बना दिया। आपका पुत्र चैन से सो रहा है। मेरा पुत्र सकुशल तो है ना? महादेवी, जो सकुशल नहीं होते वो इतनी गहरी और मीठी नींद कहाँ सो पाते हैं। ऐसी निश्चिंत निद्रा तो केवल उन्हीं के भाग्य में होती है जो स्वयं को पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित करते हैं। आप घबराइए नहीं, आपका पुत्र सकुशल है। विश्वेश्वर सत्य कह रहे हैं पुत्री। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम है सागर देवता। प्रणाम। मैं आपका स्वागत करता हूँ। कमल को शैया बना देख कर ही मुझे अनुमान हो गया था कि उस पर सोए हुए बालक का संबंध अवश्य मेरे जामाता और पुत्री से होगा। बहुत गहरा संबंध है पिताश्री, प्रहलाद इनका भक्त है और मैंने उसे अपना पुत्र मान लिया है। तभी तो मैं सोच रहा था कि इतनी छोटी सी आयु में उसके मुख पर इतना तेज, इतना प्रताप कहां से आया। अब ज्ञात हुआ कि ये उसकी भक्ति भावना और तुम्हारे प्रेम का चमत्कार है। वो इस समय कहां है पिताश्री? अपने ननिहाल में है, नानी नाना के पास आया है। समस्त सागर संसार उसके अतिथि सत्कार में जुटा हुआ है। कहां लुप्त हो गया वो दुष्ट, कहां लुप्त हो गया? सिंहिका सत्य कहती थी कि उस धूर्त ने मायावी शक्तियां प्राप्त कर ली हैं और जिनका प्रयोग वो मेरे विरुद्ध करना चाहता है, भगवान हिरण्यकश्यपु के विरुद्ध। जाओ ढूंढो उसे, हर ओर ढूंढो, हर स्थान पर ढूंढो, और यदि वो मिल जाए तो उसे पकड़कर, जकड़कर, घसीटकर मेरे पास लाओ। नहीं तो ये जान लो कि यदि असफल हुए तो निर्जीव हो जाओगे। जाओ ढूंढो उसे। नहीं सर्वशक्तिमान, ये बेचारे अब प्रहलाद को नहीं ढूंढ पाएंगे। क्यों क्यों नहीं ढूंढ पाएंगे? क्योंकि मैंने उसे सागर के गर्भ में फेंक दिया है और अब तक वो वहां से वो भूखी मछलियों के पेट में पहुंच चुका होगा। अर्थात कि तुम उसे कारागार से निकाल ले गए थे? हाँ, मैं ले गया था। उसने मेरी जीवन संगनी को जलाकर भस्म कर दिया था और मैंने उसे सागर के जल में डुबोकर मार दिया। हत्यारे, दुष्ट, तेरे हाथ मेरे पुत्र के रक्त से रंगे हुए हैं। तुमने हर जतन करके देख लिया, जब तुम मेरे पुत्र का कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो तुमने कायरों की बात उस पर उस समय वार किया जबकि वो सो रहा था। तुमने मेरे पुत्र की हत्या की है, मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगी। हत्यारे हो तुम, हत्यारे हो तुम लोग, हत्यारे हो। हे समुद्र देव, मैं आपसे अपना पुत्र वापस लूंगी। आपको मेरा पुत्र वापस लौटा नहीं होगा, लौटा ना होगा मेरा पुत्र वापस। मेरा पुत्र, मेरा लाल। Mira, lal.
पुत्र, हाय मेरा पुत्र, मेरा पुत्र, मेरा लाल, हाय मेरा पुत्र, मेरे लाल, मेरा पुत्र। हे सागर देव, आप विशाल हैं, आपका हृदय विशाल है, संसार कहता है कि आप इतने उदार हैं कि आपको कुछ भी भेंट किया जाए तो आप उसका स्वीकार करके उसे लौटा देते हैं। हे सागर देव, दानवराज कामरूप नरेश विप्रचित्ति ने मेरे पुत्र प्रहलाद को बलि के रूप में आपकी गोद में फेंक दिया है। एक दुखियारी माँ की पुकार सुन लीजिए सागर देव, मेरे पुत्र प्रहलाद को आपकी गोद से निकालकर मेरी गोद में डाल दीजिए। एक माँ की गोद सुनी है सागर देव, एक माँ अपने पुत्र के जीवन की भीख मांग रही है। हे सागर देव, मुझे मेरा पुत्र लौटा दीजिए, मुझे मेरा पुत्र लौटा दीजिए, मुझे मेरा पुत्र लौटा दीजिए। देखिए आपने विधि की विडंबना महादेवी, पुत्र अपने ननिहाल में चैन की नींद सो रहा है और अनजान माता समुद्र की लहरों से उलझ रही है। ममता इसी का तो नाम है कमल नयन। पुत्र भले कितना ही सुखी हो परंतु यदि माता की आंखों से उछल हो तो माँ को पल भर भी चैन नहीं पड़ता, वो तो पुत्र का मुख देखकर ही जीती है। बेचारी कयाधु, उसे तो ये भी पता नहीं कि उसका पुत्र कहाँ है, क्या कर रहा है। मुझे तो भय है कि कयाधु कहीं पुत्र वियोग में पागल होकर डूबकर अपने प्राण न दे दे। हाँ महादेवी, वो तो सागर में आगे आगे बढ़ती जा रही है। आपको उसके प्राणों की रक्षा करनी होगी कमल नयन। महादेवी, सागर तो आपका मायका है, मेरी तो ससुराल है, और ससुराल में अपने अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग मुझे अच्छा नहीं लगता। देवी देखिए, पिता के घर पर तो पुत्री का अधिकार होता है, इसलिए वहां हस्तक्षेप का कष्ट तो आप ही को करना होगा। देवी आपकी यही इच्छा है तो जाती हूँ मैं। कयाधु को यूं डूबकर मरने नहीं दूंगी मैं, वो भी वहां सागर में जो मेरा मायका है। सागर ने जिस पल सुनी माँ की करुण पुकार, पिघल गया कोमल हृदय, उमड़ा प्यार अपार। कितनी कठिन परीक्षा जिसका और न छोर, होनी कहती है अभी, होना है कुछ और, होना है कुछ और। जो सुनेगा ये पुराण पाएगा सुख और ज्ञान, पाएगा सुख और ज्ञान। कर्म को ही धर्म जान, प्रेम की तू छेड़ तान, प्रेम की तू छेड़ तान। बीते युग बता रहे हैं, बीते युग बता रहे हैं, सच पथ पे चल सुजान।